और मम्मी जी देख रहे हैं मेरे को साइड में से होके, मम्मी जी व्लॉग देखेंगे तो दिखाऊंगा मम्मी जी को। ए, वो खड़े वो खड़े मैं आ चुका हूँ जयपुर जाने के लिए बस के अंदर, और मम्मी जी मेरे को छोड़ना है। अभी इनसे ये पूछो कि जयपुर जाएंगे तब क्या होगा, वहाँ पे क्या साथ साथ चल रही हो क्या? पेरेंट्स को करो, बच्चों की फिक्र करो, इतनी भी मत करो। पापा जी और अभी गए नहीं है, वहीं पे खड़े हैं, और मम्मी जी देख रहे हैं मेरे को साइड में से होके, मम्मी जी व्लॉग देखेंगे तो दिखाऊंगा मम्मी जी को। ए, वो खड़े वो खड़े अब जब तक पापा जी जीप नहीं चलाएंगे ना, तब तक मम्मी जी मेरे को ऐसे ही देखते रहेंगे। पापा जी तो कर रहे हैं किसी से बात, और मम्मी बेचारे मेरे को देख रहे हैं, परेशान हो रही है मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी। वैसे मम्मी को ना ऐसे एकदम मैं टोंट मार देता हूँ, वो इसलिए कि फिर ऐसे ज़्यादा इमोशनल पन नहीं चाहिए अपने को, वरना तो खुद को रोना आने लग जाता है। अब एक दो टोंट मार के सेट करके भेजा है, अब घर तक वो टोंट दिमाग में रहेंगे, मेरा प्यार प्यार फीलिंग फुलिंग गायब है अभी। वैसे देख तो रही है मम्मी जी। पूरी बस के अंदर जयपुर के लिए 8 सवारी है, सिर्फ हम 8 लोग जा रहे हैं, और जिस दिन मैं आया था ना उस दिन टिकट नहीं मिल रही थी, और आज हम 8 जने। जयपुर पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं अपने ऑटो लिए और जा रहे हैं वहां पे अपने हॉस्टल। फाइनली हॉस्टल के अंदर पहुंच चुके हैं, और भाई ऐसे लग रहा है सुबह के 4 बजे, लेकिन 6:15 हो गए। और ये भाई देखो राहुल भाई, ये सुबह सुबह तैयार हो गया, जा भी रहे जब तक तो कोई हॉस्टल का बंदा ही ना उठा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तब हमारा बाइक यहाँ पे लाके खड़ा करते, आज कम से कम 22 तारीख को नहीं 20 को चला गया था, और उसके बाद आज हम जा रहे हैं बाइक लेने भाई 9 तारीख को। इतने दिन बाइक के बिना यार, फिर बाइक पता नहीं वहाँ पे है कि नहीं है पता चले गायब भी हो गई हो। प्यारा सा रूममेट साले, इसने कल डरा दिया मेरे को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे रूम में अलमारी छोटी है सबसे, मेरा तो सामान ही नहीं आता। कॉलेज के अंदर आ गए भाई, जैसे बाइक खड़ी करके गया था ना वैसे की वैसे मिल गई। बस बात इतनी सी है कि कुछ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की ऐसे टपाक मिली है, पाउडर वगैरह लगाया, मेकअप कर दिया यार गाड़ी के ऊपर। विकास भाई अपनी बाइक साफ कर रहे हैं, इस भाई का पार्टनर जिसके साथ इसको कॉलेज जाना था वो कहाँ भागे, किस लिए भागे पता नहीं, कहाँ गया वो। थोड़ा ऐसे पहाड़ी शाड़ी करेंगे दिन में और रात। मेरे साथ हुआ गीजर मैंने चलाया, और नाने कोई और चला गया बाथरूम में। यही होती है भाई हॉस्टल की लाइफ। भाई फोन कर रहा है, अब ना उठाएगा वो, उसके 12 बज चुके हैं। हमारे बीट बॉक्सर आ गए, इन्होंने बीट बॉक्सिंग की थी जिस दिन रश्मि का मैदान आई थी। जिम के अंदर अभी कोई है नहीं, और बहुत दिनों बाद आया हूँ, एक्सरसाइज करने के स्वाद आ गए। लेकिन पता है शादी में जाके इतना पेट बाहर आ गया, जितना वेट कम किया था ना मैंने 2 महीनों में उतना वेट गेन हो गया। अबे इनसे मोहब्बत प्यार दोबारा करते हैं, दोबारा से दर्द सहने का टाइम है। यो मारी बाइक आज इसको सर्विस करवाते हैं, धुलवाते हैं भाई। पता है जिंदगी का सबसे मुश्किल काम क्या है? रूम सेट करना, रूम भी सेट हो जाता है अलमारी सेट करना। अब देखो जगह तो हमारे पास इतनी सी, सामान है इतना सारा, और अभी 2 बैग और आने हैं, कहाँ रखूंगा मैं? मोटा मोटा तो ऐसे घुसाड़ दिया है, ऊपर वाले में नीचे वाले में 2 अलमारी लिया हमने। स्टूडेंट लाइफ में इतना स्ट्रेस क्या सही वैल्यूएबल है इतना स्ट्रेस? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे घर से मेरा सामान आया है, बस के अंदर आया है, तो मैं वो सामान लेने जा रहा हूँ मेरा, और जाते जाते सोचा एक जलजीरा पी लेते हैं थोड़ा ऐसे मूड सही हो जाता है। पहली बार हुआ है मेरे वीडियो पे, मैंने एक शॉर्ट बनाया और मेरा ही शॉर्ट था, और YouTube ने उसको कॉपीराइट क्लेम कह के हटा दिया। बारिश में बुरे हाल हो जाते हैं, पानी। अभी क्या ऑटो ये ई रिक्शा मिला है, ई रिक्शा पे बैठ के आतिश मार्केट रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से मेट्रो पे जाएंगे। आज काफ़ी टाइम बाद मेट्रो पे जाएंगे। ये नया पार्क बना है, इसके अंदर अभी तक मैं आया नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर आना है मुझे।
सिटी पार्क, भाई क्या शानदार है। ऑटो वाले भैया यार बहुत मस्त, हमने फुल बातें की इनके साथ। और अभी मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूँ, अभी मेट्रो के अंदर जाएंगे। लिफ्ट आ रही है भाई।